1990 से लेकर 2005 तक, जब तक बिहार में लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहे, बिहार की बदहाली किसी से छिपी हुई नहीं है। जंगल राज की उपाधि मिली थी हाई कोर्ट से। शिक्षा की स्थिति कितनी बदहाल थी। सचमुच उस वक्त क ख ग घ का मतलब क से क्राइम, ख से खतरा, ग से गोली और राष्ट्रीय जनता दल, र से रंगदारी, ज से जंगल राज और द से दादागिरी हुआ करता था। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। जेडीयू की तरफ से अब लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर प्रहार किया गया है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी जिसने बिहार को बर्बाद करके रख दिया। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जंगल राज कायम रहा और बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जिसे नीतीश कुमार आगे लेकर गए, विकास की राह पर आगे बढ़ाया। अभिषेक झा ने कहा है कि उस दौरान क ख ग का मतलब क से क्राइम, ख से खतरा और ग से गोली थी। वही राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद का मतलब र से रंगदारी, ज से जंगल राज और द से दादागिरी था। तो जिस तरीके से उस समय शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दी गई, उसे नीतीश कुमार आगे लेकर गए हैं और आज जो भी युवा हैं, जो भी बिहारवासी हैं, वो नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि जंगल राज के साथ। क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा, पहले सुनिए। 1990 से लेकर 2005 तक, जब तक बिहार में लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहे, बिहार की बदहाली किसी से छिपी हुई नहीं है। जंगल राज की उपाधि मिली थी हाई कोर्ट से। शिक्षा की स्थिति कितनी बदहाल थी। सचमुच उस वक्त क ख ग घ का मतलब क से क्राइम, ख से खतरा, ग से गोली और राष्ट्रीय जनता दल, र से रंगदारी, ज से जंगल राज और द से दादागिरी हुआ करता था। इस तरह की पढ़ाई करने में अब बिहार का कोई नौजवान इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है। बिहार की जनता कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती है कि इन लोगों की सत्ता में वापसी करा दे। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जी की विकास नीतियों को और आगे लेकर जाना है और ऐसे लोगों को अब सामाजिक जीवन में कोई जगह नहीं देनी। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार की तरफ से भी 15 साल बताए जा रहे हैं कि 15 साल में बिहार में विकास हुआ है। लालू प्रसाद यादव का जो 15 साल था वो बिल्कुल भी खराब था। उन्होंने बिहार को बर्बाद किया और बर्बाद से बिहार को आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार के शासनकाल में किया गया है। हालांकि विपक्ष की बात करें तो आरजेडी की तरफ से भी ये बातें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि नीतीश कुमार ने 15 साल में कुछ किया ही नहीं। अगर 15 साल में किया है तो हिसाब किताब दीजिए। जेडीयू की तरफ से हिसाब किताब कई बार दिया गया, लेकिन तेजस्वी यादव से संतुष्ट नजर नहीं आते। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को क्यों गिराया गया, यहाँ पर रोजगार के लिए क्यों भटकना पड़ता है। तो अब जेडीयू ने जवाब दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।